उसने कुछ व्यवधान से आए ताकि वो मुझे मन में एक बात की सर्विस में भी चाहे हम रहते हैं 24 घंटे 12 घंटे साथ रहते हैं सुख और दुख दो चीजें होती उसमें अगर आपके साथ निभाया थोड़ा बहुत भी अगर आपके साथ निभाया तो जीवन पर्यंत याद रखता है हमसे जो सहयोग द्वारा जो चाहा गया मैंने प्रयास किया जितनी मेरी सीमाएं थी उसमें रखकर मैंने इनका असंभव सहयोग किया और भविष्य में मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ जो भी संभव सहयोग इस लाइफ में हूँ आपको भी मैंने किसी को कठिनाई नहीं बरतूंगा जो आपके समस्त प्रेयक है मैंने प्रयास किया है जो भी इसी तरीके का इनका आवेदन पत्र मुझे प्रयास प्राप्त हुआ है मैंने तत्काल उसको समाधान करने का प्रयास किया है जो हमारे स्तर का था उसने उसका समाधान भी किया जो हमारे स्तर का नहीं था उसको मैंने मुझे महोदय को लेकर कर दिया ये भी उस आपसे काम करा था इसको भी नाटकपट करने काम कराया आपका और हमारे पास में सी बी ओ साहब बैठे हैं मैं इनसे आग्रह करूँगा हमारे डॉक्टर श्रीवास्तव जैसे नेक दिन साहब सर हृदय कुशल प्रशासक सबसे बड़ी बात आप दयावान भी हैं सबकी भावनाओं को समझते हैं लेकिन मेरी आपसे वार्ता आप सब हमारे पास ही बैठे रहते हैं फिर हमने हमसे चर्चा करने साहब हमने अपने जो हमारा प्रशासनिक जो कार्यकाल रहा मैंने ये प्रयास किया कि हम किसी अधिकारी का हित नहीं करते लेकिन मैं दूसरों के बचाने के चक्कर में थोड़ा बहुत अपना हित कर बैठा मैंने कहा चलो ये तो बात की बातें हैं जो हो गया उसको बोलना ही अच्छा है आगे के लिए हम तैयारियां करें मैं उम्मीद करता हूँ जो आपका ज्ञान है उससे मैं स्वयं अक्सर गुणित होगा अगर आप मुझे भी मार्गदर्शन देते रहेंगे कि कहीं भी कोई इज्जत नहीं महसूस होती है आप साथ बैठे हैं हो सकता है जब आपकी बात आए तो मैं इनसे भी सलाह लेता रहता है ये काम है कैसे होगा मुझे कहीं कोई समस्या नहीं महसूस होती आप सबसे सलाह ले लेंगे आपकी बात को सुनने में और आपकी बात अगर कोई अच्छी है तो उसे हमें ग्रहण करने में कोई समस्या नहीं होती है मैं अनुरोध करूँगा आग्रह करूँगा कि भविष्य में भी हमारे जो बच्चे के साथी हैं अगर आपसे कोई आदेश निर्देश कहीं कोई समस्या के लिए आपको बुलाते हैं आप सर इसको स्वीकार करेंगे जो भी आपको ज्ञान है उनसे इसको मार्गदर्शन देंगे मैं आपके तेज सामाजिक जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ जय हिंद अब मैं परम आदरणीय डॉक्टर श्रीवास्तव से अनुरोध करूंगा कि आप दो शब्द पिछले 4 वर्ष 8 माह के कार्यकाल में आप मुख्यमंत्री करने हमारा मुझे प्राप्त हुआ है कि उसका अपने कार्यकाल के दौरान अगर आपको कुछ कष्ट हो मेरे द्वारा धन्यवाद सर आपके पूर्व समय में दिए गए निर्देशों का हम लोग पालन करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे तथा आपकी सहृदयता और लोगों के प्रति प्रेम भी हम लोगों के मन में हमेशा बना रहेगा आपके दिए हुए अच्छे उसको हम लोग अपने जीवन में लाने की कोशिश करेंगे इसी के साथ मैं पश्चिम सर गोरखपुर ब्यूरो से इस प्रोग्राम के खत्म कर देती हूँ शाही बिल्डिंग है कल
जितने भी विकासखंड स्तर के पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनकी कल और परसों दो दिन की कंप्यूटर डाटा फीडिंग की ट्रेनिंग है शाही बिल्डिंग गोलघर गोरखपुर में टैली गैली कर विजय चौक के पास में जो शाही बिल्डिंग है उसी में जो ब्लॉक के जितने भी पशु मैं क्या बोलूँ अध्यक्ष महामंत्री बैठे मैं बोलूँ बताइए अध्यक्ष महा